हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज हम लोग इम्यूनोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटीजन डिस्कस करेंगे। एंटीजन में हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्यूनोजेनिसिटी वर्सेस एंटीजेनिसिटी, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इम्यूनोजेनिसिटी, एपिटोप्स क्या होता है, हैप्टेंस एंड द स्टडी ऑफ एंटीजेनिसिटी। इन चार टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी से। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू इंड्यूस अ ह्यूमरल एंड और सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि एंटीजन जो है बॉडी में इम्यून सिस्टम को कैसे इंड्यूस करता है। वो इम्यून सिस्टम आइदर ह्यूमरल इम्यून सिस्टम हो सकता है या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो सकता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी आप जानते ही होंगे कि वो बी सेल से मेडिएट होता है, और सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स यानी हम लोग टी सेल रेस्पॉन्सेस की बात कर रहे हैं। एंटीजन कैसे इलिसिट करता है ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स को, और एंटीजन एंटीजेनिसिटी रेस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है, यानी कि द एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विथ एंटीबॉडी एंड सेल सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन और TCR। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि एंटीजन कैसे किसी खास एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होता है या टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं उससे कैसे कंबाइन करता है, इन दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। इम्यूनोजेनिसिटी, अल्दो अ सबस्टांस दैट इंड्यूस अ स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स इज यूजुअली कॉल्ड एन एंटीजन, इट इज मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एन इम्यूनोजन। यदि एंटीजन केवल एंटीजन की तरह ही बिहेव करता है, यानी हम कहेंगे एंटीजेनिसिटी वो एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी उसका है, लेकिन यदि उस एंटीजन के कारण हमारा इम्यून रेस्पॉन्स भी बूस्ट होता है तो हम उस एंटीजन के लिए खास टर्म रखे हैं इम्यूनोजन, यानी वो एंटीजन अब इम्यूनोजन कहलाएगा। अल्दो ऑल मॉलिक्यूल्स दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेनिसिटी, यानी जिस एंटीजन का प्रॉपर्टी इम्यूनोजन की तरह है, यानी वो इम्यूनोजेनिसिटी कॉज कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, उसमें निश्चित है कि एंटीजेनिसिटी का भी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, बट ऑल इम्यूनोजेन आर एंटीजन। इस बात को समझ गए। अब आइए देखते हैं हैप्टेंस क्या है। तो हैप्टेंस आर एंटीजेनिक बट इनकैपेबल बाय देमसेल्फ ऑफ इंड्यूसिंग अ स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, यानी हैप्टेन एक ऐसा एंटीजन है जो केवल एंटीजेनिसिटी कॉज कर सकता है, वो इम्यूनोजेन की तरह बिहेव नहीं करता है, इनकैपेबल है इम्यूनोजेन के लिए वो। अगर उस तरह का एंटीजन है तो उसे हम हैप्टेन कहेंगे। अब आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। हैप्टेन के बारे में और हम लोग डिस्कशन इसी लेक्चर में कुछ आगे के स्लाइड में करने वाले हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इम्यूनोजेनिसिटी। हमने जो इम्यूनोजेनिसिटी डिस्कस किया उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो एंटीजन का फॉरेननेस है, आइए देखते हैं कि जो हमने एंटीजन देखा जो इम्यूनोजेन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि वो फॉरेन इन नेचर होना चाहिए, यानी वो नॉन सेल्फ होना चाहिए। एंटीजन मस्ट बी नॉन सेल्फ इन नेचर। मोलिकुलर साइज पे भी डिपेंड करता है उसका प्रॉपर्टी इम्यूनोजेनिसिटी का। केमिकल कंपोजिशन और हेटरोजेनिसिटी भी इफेक्ट करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी के प्रॉपर्टीज को। इसके साथ साथ ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, बॉडी का जो प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कैपेसिटी है एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन, वो एंटीजन कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी। यानी इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करने वाले हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं: फॉरेननेस, मोलिकुलर साइज, केमिकल कंपोजिशन एंड हेटरोजेनिसिटी,
susceptibility to antigen processing and presentation. Contribution of the biological system to immunogenicity. जो इम्यूनोजेन है वो रिसिपिएंट एनिमल का जीनोटाइप कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है. इसके साथ साथ इम्यूनोजेन डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम वह एंटीजन या वह इम्यूनोजेन कहें किस फॉर्म में ले रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा. एडजुवांट्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे एडजुवांट्स क्या होते हैं, तो एडजुवांट्स पे भी इम्यूनोजेनेसिटी की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. फॉरननेस का क्या मतलब है? फॉरननेस का मतलब होता है जनरली द ग्रेटर द फाइलोजेनिक डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीसीज द ग्रेटर द स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी बिटवीन देम. अगर हम लोग फॉरननेस की बात करें कि कौन कितना दूसरे से अपरिचित है, फॉरन इन नेचर है, ये डिपेंड करता है फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस पे. फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो इससे सिमिलरिटी का पता चलता है कि दो स्पीसीज कितने सिमिलर हैं. तो अगर ज्यादा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस है मतलब उन दो स्पीसीज के बीच डिससिमिलरिटी ज्यादा है, यानी वो काफी अलग अलग हैं. द ग्रेटर द स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी बिटवीन देम, अगर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा है यानी स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी ज्यादा है, एंटीजेनिक डिफरेंस दोनों के बीच ज्यादा है, तो वह एंटीजन जो इम्यूनोजेन प्रॉपर्टी आपके बॉडी में इंड्यूस करने वाला है उसके बीच फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस यानी उसका एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, फॉरन इन नेचर होना चाहिए. सम मैक्रोमोलिकुल्स जैसे कि कोलाजन एंड साइटोक्रोम सी, ये दो मैक्रोमोलिकुल्स हैं. जैसे कोलाजन हम लोग जानते हैं, कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होता है, और साइटोक्रोम सी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है. इन दो मोलिकुल्स का बात करें, कोलाजन और साइटोक्रोम सी का, तो वे आर हाईली कंजर्व्ड थ्रू आउट इवोल्यूशन. जो तमाम इवोल्यूशन हुआ, इन इवोल्यूशन के वक्त ये दोनों ही मोलिकुल्स जो है हाईली कंजर्व्ड रहे, यानी बहुत सारे स्पीसीज का यदि हम कोलाजन और साइटोक्रोम सी कंपेयर करें तो ये कोलाजन और साइटोक्रोम सी ये चेंज नहीं हुए हैं, ये कंजर्व्ड रहे हैं इवोल्यूशन में. एंड देयरफॉर डिस्प्ले वेरी लिटिल इम्यूनोजेनिसिटी अक्रॉस डाइवर्स स्पीसीज लाइंस. इसीलिए अगर इनके इम्यूनोजेनिसिटी का बात करें तो बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल्स का नहीं है, ये काफी कंजर्व रहे हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्रोसेस. आगे बात करेंगे मॉलिक्यूलर साइज को लेकर, कि एंटीजन के मॉलिक्यूलर साइज कैसे इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करते हैं. तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल एंड इट्स इम्यूनोजेनिसिटी. द बेस्ट इम्यूनोजेन टेंड टू हैव अ मॉलिक्यूलर मास अप्रोचिंग 100,000 डाल्टन. यानी जो एंटीजन इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी इंड्यूस करने वाला है बॉडी में उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए, यानी 100,000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए या इसके पास होना चाहिए. इतना वो मॉलिक्यूलर वेट है उस मॉलिक्यूल का, तभी जाके आपके बॉडी के अंदर वो इम्यून सिस्टम इंड्यूस कर सकता है. यानी बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इम्यूनोजेन्स नहीं माने जाते हैं, या उन्हें हम पुअर इम्यूनोजेन कहेंगे. जनरली सबस्टांस विथ अ मॉलिक्यूलर मास लेस देन 5,000 टू 10,000 डाल्टन आर पुअर इम्यूनोजेन्स. स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिसिटी के लिए, बेस्ट इम्यूनोजेन के लिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो 100,000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए या उसके पास होना चाहिए. इस टेबल में हम लोग कुछ एंटीजन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके पास इम्यूनोजेन प्रॉपर्टी है, जैसे कि बोवाइन गामा ग्लोबुलिन, बोवाइन सीगम एल्बुमिन, फ्लैजिलिन. तो अगर आप इसमें देखेंगे और इसके मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनके मॉलिक्यूलर मास 10,000 डाल्टन से अधिक हैं वो इम्यूनोजेन प्रॉपर्टी अच्छे हैं उनके, और वो इम्यूनोजेनिसिटी इंड्यूस कर सकता है. अगला जो है केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, वह एंटीजन कैसे बना हुआ है, क्या क्या कंपोजिशन है उसका, इस पे भी डिपेंड करेगा उसका इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी. जैसे कि सिंथेटिक होमोपोलीमर, होमोपोलीमर मीन्स वह पोलीमर तो है लेकिन एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, टेंड टू लैक इम्यूनोजेनिसिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज. अगर उसका साइज ज्यादा भी है, साइज कहने का मतलब है कि अगर उसका 10,000 डाल्टन से अधिक है या बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़े उसके रिपीटिंग यूनिट हैं, ज्यादा रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है, लेकिन होमोपोलीमर है
मतलब उसका रिपीटिंग यूनिट बस एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, किसी खास तरह के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर वह मोलिकूल बना हुआ है, तो उसका जो इम्यूनोजेनिसिटी होगा वो कम होगा। ऑल फोर लेवल्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर अगर और बात करें तो अगर हेटरोपोलीमर वह मोलिकूल है, मतलब साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है फिर भी उसमें हेटरोपोलीमर है, मतलब उसके रिपीटिंग यूनिट अलग अलग तरह के हैं, यानी केमिकल कंपोजिशन उसका डाइवर्स है, तो डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होने की वजह से उसका इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये चार तरह के लेवल होते हैं प्रोटीन के, कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोटीन एंड हेंस अफेक्ट्स इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। ये जो चारों लेवल हैं प्रोटीन के, तो हर एक लेवल में कॉम्प्लेक्सिटी चूंकि अलग है, प्राइमरी लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और होता है, सेकेंडरी का कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और होता है, तो ये जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है प्रोटीन का, ये भी इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करता है। इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि हम इम्यूनोजेन की बात कर रहे हैं, इम्यूनोजेन यानी एक ऐसा एंटीजन जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से अधिक है और वह इम्यून सिस्टम को इलिसिट कर सकता है। उसका जो केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर मतलब उसका बायोकेमिकल नेचर हम बात करना चाह रहे हैं, कि वो प्रोटीन होगा कि कार्बोहाइड्रेट होगा कि न्यूक्लिक एसिड होंगे, तो हमें जानना चाहिए कि जो एंटीजन है या इम्यूनोजेन कहें, तो इम्यूनोजेन पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स किसी भी नेचर के हो सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी इम्यूनोजेन की तरह बिहेव कर सकता है। ये हैं फोर लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जैसे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सिंपली लीनियर फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े होते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा और बढ़ जाता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये दो तरह के स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अगर कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाए, जैसे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम देखें, तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कुछ कोवलेंट और नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि वेन डर वाल इंटरेक्शन हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के कुछ बॉन्ड्स मिल करके टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और कई तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल करके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यानी कि इस तरह से प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ये सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यानी अगर इनके हम इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी की बात करें, तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, इसका इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी भी वैसे वैसे इंक्रीज करते जा रहा है। ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, यानी जो इम्यूनोजेन है, यानी वो फॉरेन इन नेचर है, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे प्रोसेस और प्रेजेंट कैसे करता है उसकी बात करेंगे। तो एबिलिटी टू प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड विथ एन MHC मॉलिक्यूल, MHC मतलब क्या होता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये बॉडी का एक तरह का इम्यून सिस्टम है, डिफेंड सिस्टम है। ऑन द सर्फेस ऑफ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और अल्टर्ड सेल्फ सेल, यानी कि वह इम्यूनोजन के पास ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वह बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोसेस्ड और प्रेजेंट हो सके और हमारे इम्यून सिस्टम को इलिसिट और एक्टिवेट कर सके। जैसे कि पेप्टाइड टू क्लास MHC मॉलिक्यूल, ये क्लास टू MHC मॉलिक्यूल है। जैसा हम जानते हैं कि MHC मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, क्लास वन और क्लास टू MHC मॉलिक्यूल। जितने भी एंटीजन प्रोसेसिंग मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, वो तीन होते हैं, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेज। ये तीन ही मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम लोग प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। इनमें खास बात ये होती है कि जितने भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उनके ऊपर क्लास टू MHC मॉलिक्यूल्स लगा होता है। तक एक्सोजिनस एंटीजन, जो बाहरी एंटीजन्स हैं, चूंकि एंटीजन्स भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि उनको कैटेगराइज किया गया है दो तरह में, एंडोजिनस एंटीजन्स एंड एक्सोजिनस एंटीजन्स। तो जो एक्सोजिनस एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन है, वो पेप्टाइड क्लास टू MHC मॉलिक्यूल्स के माध्यम से होता है। प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंडोजिनस एंटीजन, एंडोजिनस एंटीजन
इसको याद ये रखना है कि ये क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा होगा, और क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल जनरली सारे सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। हमने बताया कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि उनके सरफेस पे क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वैसे जनरली क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल होते हैं। तो एंडोजिनस एंटीजन यानी कि जो सेल्फ बोर्न एंटीजन्स हैं या एक्सोजिनस इन नेचर नहीं हैं, उनको क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल्स रिसीव करते हैं, इंगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोज करते हैं, और वो इंगल्फ होने के बाद से एक वेसिकल्स बनता है। उस वेसिकल्स को गोल्जी एपरेटस, उसके बाद से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए प्रोसेस्ड किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है फाइनली। कंट्रीब्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम टू इम्यूनोजेनेसिटी। अब बायोलॉजिकल सिस्टम जो भी है उसका इम्यूनोजेनेसिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जैसे कि जो रिसिपिएंट एनिमल्स हैं, उस रिसिपिएंट एनिमल्स का जीनोटाइप कैसा है, इससे भी काफी डिपेंड करेगा इम्यूनोजेनेसिटी का प्रॉपर्टी। इम्यूनोजेन डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इम्यूनोजेन आपने लिया है, कितने अमाउंट में लिया है और कई बार लिया है, इस पर भी डिपेंड करेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो इम्यूनोजेन या एंटीजन आपने किस फॉर्म में लिया है, ओरल फॉर्म में लिया है, इंजेक्टेबल फॉर्म में लिया है, इस पर भी काफी डिपेंड करता है इम्यूनोजेनेसिटी। एडजुवांट्स पे भी डिपेंड करता है। इन सब चीज टर्म्स को जैसे कि एडजुवांट्स, हेप्टेंस, हम लोग आगे के स्लाइड्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इम्यूनोजेन डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि इम्यूनोजेन डोज टू लो है, यानी बहुत कम यदि डोज आपने लिया तो इम्यूनोजेनेसिटी वो सो ही नहीं कर पाएगा एंटीजन। बहुत ज्यादा लिया तो बॉडी का सिस्टम टॉलरेट नहीं कर पाएगा, यानी टॉलरेंस में दिक्कत होगा। रूट जो है इम्यूनोजेन के लेने का, वो ओरली हो सकता है, पेरेंटेगली हो सकता है, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, यानी ये सब अलग अलग रूट्स हैं जिनके द्वारा हम लोग एंटीजन को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर। सब टर्म्स के अपने मीनिंग है, जैसे ओरली है, पेरेंटेगली है, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मीन्स इनटू अ वेन, इंट्राडर्मल इनटू द स्किन, सबक्यूटेनियस यानी बीनीथ द स्किन, इंट्रामस्कुलर यानी इनटू मसल्स, इंट्रापेरिटोनियल मीन्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। इन सब फॉर्म्स के द्वारा आप जो है एंटीजन्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं बॉडी में, और इनके डोज के ऊपर डिपेंड करेगा इम्यूनोजेनेसिटी का प्रॉपर्टी, यानी ये न तो टू लो होना चाहिए, नहीं टू हाई होना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट होना चाहिए। एडजुवांट्स, एडजुवांट को यदि देखें तो लैटिन टर्म एडजुवार, एडजुवार से ये मिलके बना हुआ है, और एडजुवार का मतलब होता है टू हेल्प। सबस्टांसेस दैट व्हेन मिक्स्ड विथ एन एंटीजन आर इंजेक्टेड विथ इट इनहांस द इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ द एंटीजन, यानी कि जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन जिनका लो मोलिकुलर वेट है, यदि यह एडजुवांट के साथ मिल जाए तो इनका मोलिकुलर वेट इनफ हो जाएगा। अब ये एंटीजन एडजुवांट के मिलने के बाद इम्यूनोजेन की तरह काम करने लगेगा, यानी अब ये बॉडी का इम्यून सिस्टम इलिसिट कर सकता है, यानी इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी अब ये शो कर सकता है। यानी एडजुवांट ने क्या किया, एंटीजन को हेल्प किया इम्यूनोजेन बनने में, यानी कि जो एंटीजन इम्यूनोजेन की तरह नहीं बिहेव कर रहा था, अब वह इम्यूनोजेन की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी यही मतलब होता है टू हेल्प का। इसने एंटीजन को इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी इनहांस करने में हेल्प किया। अब इफेक्ट्स ऑफ एडजुवांट्स देखेंगे, कैसे एडजुवांट्स इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी को इंड्यूस करने में एंटीजन का हेल्प करता है। प्रोलॉन्ग एंटीजन परसिस्टेंस, एंटीजन का जो परसिस्टेंस है उसे प्रोलॉन्ग करता है। स्लोअर रिलीज ऑफ एंटीजन एट द इंजेक्शन साइट, धीरे धीरे रिलीज करवाता है एंटीजन को, इस तरह से वो लंबे समय तक जो है वहां पे अवेलेबल रहता है एंटीजन। इनहांस को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स, जैसे कि इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एमएचसी एंड B7 मॉलिक्यूल्स, सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस, इंक्रीज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग एबिलिटी,
मैक्सिमल एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, यानी कि जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स है, साथ साथ वाले सिग्नल, जैसे कि साइटोकाइंस का रिलीज होना, एंटीजन प्रेजेंटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करवाना, हेल्पर टी सेल्स का एक्टिवेशन, ये सब एडजुवांट्स के इफेक्ट्स हैं। यानी एडजुवांट्स की वजह से ये सब जो स्टिमुलेटरी सिग्नल्स हैं वो भी इनहांस होते हैं। इंक्रीज लोकल इन्फ्लामेशन, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अ डेंस मैक्रोफाज रिच मास ऑफ सेल्स, एडजुवांट्स स्टिमुलेट लिम्फोसाइट प्रोलिफिकेशन नॉन स्पेसिफिकली। लिम्फोसाइट मीन्स टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनका जो प्रोलिफिकेशन है नॉन स्पेसिफिकली, मतलब किसी खास लिम्फोसाइट को नहीं, जो भी लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं उनके प्रोलिफिकेशन को भी स्टिमुलेट करता है। इन सब तरीकों से एडजुवांट्स क्या करता है, इम्यूनोजेनेसिटी के प्रॉपर्टी को बूस्ट करता है, इनहांस करता है। अब हम लोग कुछ एडजुवांट्स के नाम लेंगे, एडजुवांट्स के कुछ नामों को डिस्कस करेंगे यहां, जैसे कि फ्रंट्स कंप्लीट एडजुवांट्स, फ्रंट्स इनकम्प्लीट एडजुवांट, एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट एलम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, बैक्टीरियल लाइपोपोलीसेकेराइड्स, सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो होते हैं ये सब एडजुवांट्स हैं जो एंटीजन के साथ मिलकर के उसके इम्यूनोजेन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेंगे। अब किसके कितने प्रॉपर्टीज हैं, ये किस तरह से एक्शन करते हैं, पोस्टुलेटेड मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये प्रोलॉन्ग एंटीजन परसिस्टेंस को कितना स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेटरी सिग्नल को कितना इन्हांस करेंगे, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कितना करवाएंगे, लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, या स्टिमुलेट करने का प्रॉपर्टी कितना है, हर एडजुवांट का अलग अलग होता है। जैसे कि फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवांट का बात करें तो ये एंटीजन के परसिस्टेंस को इंक्रीज करवाता है, को स्टिमुलेटरी सिग्नल को भी इन्हांस करता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करवाता है, लेकिन लिम्फोसाइट को नॉन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट नहीं करता है। तो ये अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के मोड ऑफ एक्शन है अलग अलग एडजुवांट्स के। अब हम लोग अगले टॉपिक इपिटोप्स को डिस्कस करेंगे। इपिटोप्स क्या होता है, तो इम्यून सेल्स डू नॉट इंटरेक्ट विथ और रिकॉग्नाइज एन इंटायर इम्यूनोजेन मॉलिक्यूल। यानी जो भी इम्यून सेल्स हैं, आइदर बी सेल्स हों, टी सेल्स हों, वो इम्यूनोजेन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंस्टेड लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज डिस्क्रीट साइट्स ऑन द मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉल्ड इपिटोप्स। जो भी एंटीजन है या इम्यूनोजेन है उसे किसी खास साइट को वो रिकॉग्नाइज करता है, और वह जो खास साइट है जिसे इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और जहां पे वो बाइंड कर रहे हैं, उस खास साइट को हम लोग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं या इपिटोप कहते हैं। यानी कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और इपिटोप्स आर दैट डिस्क्रीट साइट्स ऑफ द एंटीजन ऑफ इम्यूनोजेन टू विच इम्यून सेल्स कैन बाइंड। यानी एंटीजन का वह इंपॉर्टेंट साइट जिससे इम्यून सेल्स इंटरेक्ट कर सकते हैं उसे हम लोग इपिटोप कहते हैं। इपिटोप का ही दूसरा नाम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी है। द रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजेंस बाई टी सेल एंड बी सेल इज फंडामेंटली डिफरेंट। जो एबिलिटी है टी सेल और बी सेल का इंटरेक्ट करने का जो एंटीजन से, वो अलग अलग है। टी सेल दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करता है और बी सेल के इंटरेक्ट करने का तरीका कुछ और है। यानी ये अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से। अब हम लोग देखेंगे टी सेल और बी सेल इपिटोप्स को, कि टी सेल कैसे एंटीजन से इंटरेक्ट करता है और बी सेल इपिटोप से कैसे इंटरेक्ट करता है। बिकॉज बी सेल बाइंड एंटीजन्स दैट इज फ्री इन सोल्यूशन। बी सेल केवल उन्हीं एंटीजन से बाइंड करता है जो सोल्यूशन में फ्रीली फ्लो करते हैं, जो फ्री हैं। द इपिटोप्स दे रिकॉग्नाइज टेंड टू बी हाईली एसेसिबल साइट्स ऑन द एक्सपोज सरफेस ऑफ द इम्यूनोजेन। यानी इम्यूनोजेन पे जो एक्सपोज साइट है, यानी एक्सपोज इपिटोप्स है, उससे बी सेल इंटरेक्ट करता है। यानी कि बी सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडी उन एंटीजन से बाइंड करता है जिनके इपिटोप्स फ्रीली एक्सपोजेबल हैं, एक्सपोज सरफेस में हैं।
और टी सेल कैसे करता है? तो बिकॉज मोस्ट टी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन ओनली व्हेन इट इज कंबाइंड विद एन एमएचसी मॉलिक्यूल्स, टी सेल एपिटोप एज ए रूल कैन नॉट बी कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम देयर एसोसिएटेड एमएचसी मॉलिक्यूल्स। यानी कि टी सेल केवल प्रोसेस्ड एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करता है, केवल प्रोसेस्ड एंटीजन के साथ ही बाइंड कर सकता है। यानी कि टी सेल केवल उन्हीं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है जो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो, और एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ तभी कंबाइंड होगा जब वो प्रोसेस्ड हो गए हों। यानी कि टी सेल्स फ्री सॉल्यूशन में फ्री एंटीजन्स के साथ बाइंड नहीं करता है, टी सेल्स प्रोसेस्ड एंटीजन के एपिटोप से ही बाइंड करता है। ये खास डिफरेंस है टी सेल और बी सेल एपिटोप को लेकर। आइए हम बी सेल और टी सेल्स का जो एंटीजन रिकॉग्निशन प्रॉपर्टी है उसको कंपेयर करें, कंपैरिजन ऑफ एंटीजन रिकॉग्निशन बाय टी सेल और बी सेल्स। तो बी सेल्स पहले प्रॉपर्टी का यदि बात करें कि इंटरेक्शन विथ एंटीजन, एंटीजन से इंटरेक्ट करने में दोनों सेल्स अलग अलग किस फॉर्म में है, तो इन्वॉल्व्स बाइनरी कॉम्प्लेक्स। बाइनरी कॉम्प्लेक्स मीन्स यहां दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, एक मॉलिक्यूल होगा इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि बी सेल का जो प्रोडक्ट है एंटीबॉडी, और एंटीजन, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो चूंकि दो मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसीलिए हम कहेंगे बाइनरी कॉम्प्लेक्स। जबकि टी सेल में क्या है, थ्री मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, कौन कौन से, टी सेल रिसेप्टर, एमएचसी मॉलिक्यूल और एंटीजन, इसीलिए यहां पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पहला डिफरेंस हम लोगों ने देखा बी सेल एपिटोप और टी सेल एपिटोप का, कि बी सेल बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, टी सेल टर्नरी कॉम्प्लेक्स। बाइंडिंग ऑफ सोलेबल एंटीजन, तो जो बी सेल है वो सोलेबल एंटीजन के साथ बाइंड करता है और टी सेल सोलेबल एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करता, प्रोसेस्ड एंटीजन के साथ बाइंड करता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, तो बी सेल वाले में एमएचसी मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, जबकि टी सेल तभी बाइंड करेगा जब एमएचसी मॉलिक्यूल उस प्रोसेस्ड एंटीजन को एक्सप्रेस करेगा, रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले प्रोसेस्ड एंटीजन, यानी एमएचसी मॉलिक्यूल नेसेसरी है टी सेल एपिटोप के लिए। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन क्या है, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड लिपिड्स, यानी केमिकल नेचर जो है बी सेल एपिटोप के लिए प्रोटीन पॉलीसेकेराइड लिपिड किसी भी फॉर्म में होगा तो बी सेल एपिटोप उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, बाइंड कर सकता है। टी सेल के लिए एंटीजन का केमिकल नेचर क्या होना चाहिए, मोस्टली प्रोटीन, बट सम लिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंटेड ऑन एमएचसी लाइक मॉलिक्यूल्स। कुछ केस में एंटीजन जो है लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स नेचर के भी होते हैं जिसे एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करता है, टी सेल बाइंड कर सकता है। एपिटोप प्रॉपर्टीज, एक्सेसिबल हाइड्रोफिलिक मोबाइल पेप्टाइड कंटेनिंग सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमीनो एसिड्स। बी सेल एपिटोप का प्रॉपर्टी यह है कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए यानी कि एक्सपोज सरफेस पे होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक मोबाइल पेप्टाइड कंटेनिंग सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स होने चाहिए। टी सेल्स के एपिटोप का प्रॉपर्टी क्या है, ये इंटरनल लीनियर पेप्टाइड्स, इसके जो एपिटोप्स होते हैं पेप्टाइड्स होते हैं क्योंकि इंटरनल होते हैं, अंदर पे हैं, एक्सपोज सरफेस में नहीं है, इसीलिए इसे प्रोसेस करना पड़ रहा है और एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहे एंटीजन रिकॉग्निशन के टी सेल और बी सेल के द्वारा। कंफर्मेशन ऑफ द एपिटोप रिकॉग्नाइज बाई बी सेल्स, बी सेल्स के द्वारा जो एपिटोप रिकॉग्नाइज हुआ है उसके कंफर्मेशन की बात करेंगे। द एबिलिटी टू फंक्शन एज अ बी सेल एपिटोप इज डिटरमाइंड बाई नेचर ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेड बाई बी सेल्स। यानी कि बी सेल्स के द्वारा जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ है तो अलग अलग एंटीबॉडी के जो बी सेल एपिटोप रिकॉग्नाइजिंग प्रॉपर्टी होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन कॉम्प्लेक्स विथ एन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। अगर एक ऑक्टापेप्टाइड ले, ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन मतलब ये एक ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फ्रैगमेंट कैसे इस ऑक्टापेप्टाइड से बाइंड कर रहे हैं उसी का ये डायग्राम है। जो रेड फ्रैगमेंट है वो एंजियोटेंसिन 2 है, ब्लू हेवी चेन
पर्पल लाइट चेन, यानी ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है टोटल हमारा, ये एंटीबॉडी है। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी एंटीबॉडी है उसमें दो हेवी चेन और दो लाइट चेन होते हैं, तो हेवी चेन ब्लू के द्वारा इंडिकेट हो रहा है, यानी ये हेवी चेन को इंडिकेट कर रहा है, और पर्पल वाले जो हैं वो लाइट चेन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये दो लाइट चेन है, ये दो हेवी चेन है। ये कैसे इस एंटीजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं ये यहाँ दिखाया गया है। जो रेड में है वो एंटीजन है। एंटीजन यानी कि ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन एंजियोटेंसिन। तो जो एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट है वो कैसे इस एंटीजन से बाइंड कर रहा है, उसका ये 3D स्ट्रक्चर है। इसके बारे में और हम लोग अगले स्लाइड्स में बात करेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, ये देखेंगे हम लोग। मॉडल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेन एग वाइट लाइसोजाइम एंड एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटी एच ई एल एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी है एंटी एच ई एल, ये कैसे अपने एंटीजन से बाइंड कर रहा है ये इस डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पे जो लाइट चेन है वो येलो से दिखाया गया है, दिस इज द लाइट चेन, ये दो लाइट चेन हो गए, और हैवी चेन जो है वो ब्लू से दिखाया गया, दिस इज द हैवी चेन एंड दिस इज द एंटीजन हेन एग वाइट लाइसोजाइम। ये जो एंटीबॉडी फ्रैगमेंट है ये एंटीजन से इंटरेक्ट कर रहा है। इस एंटीजन पे जो एक्सपोज सरफेस पे जो इपिटोप्स होंगे यानी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होंगे उनसे ये एंटीबॉडी बाइंड करेगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स फॉर डिफरेंट एंटीबॉडी, जो अलग अलग एंटीबॉडी होते हैं उनके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स अलग अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि HYHEL5, इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट ऐसा है, यहाँ पे प्रेजेंट है। HYHEL10, इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कुछ दूसरे तरह का है। तो इस तरह से अलग अलग एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं अलग अलग एंटीबॉडी के लिए। द इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी विथ एंटीजन आर थ्रू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी जो क्लस्टर बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो ट्रांजिएंट है, वो परमानेंट नहीं है, इसीलिए जो बॉन्ड होगा एंटीजन एंटीबॉडी के बीच वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और चार तरह के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सरफेस ऑफ अपोजिट चार्जेज। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स एंड टू अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तीसरा जो बॉन्ड है वो वैन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाया जाता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बीच। वैन डेर वाल फोर्स अकर एट वेरी क्लोज रेंज बिटवीन टू एटम्स। कंडीशन क्या है वैन डेर वाल इंटरेक्शन का, कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच जो बन रहा है उसके बीच डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। फ्लक्चुएशन इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन लीड टू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इज क्रिएटेड बाय द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोफोबिक सब यूनिट्स इन एक्वस एनवायरमेंट। दिस टेंड टू बी पुश्ड टुगेदर टू मिनिमाइज द इनस्टेबिलिटी दे कॉज इन द नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी हमने फोर टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखे जो नॉन कोवेलेंट टाइप के हैं। ये चारों तरह के जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी से एसोसिएट होता है। द बी सेल एपिटोप ऑन नेटिव प्रोटीन्स जनरली आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड ऑन द प्रोटीन सर्फेस दैट आर टोपोग्राफिकली एसेसिबल टू मेम्ब्रेन बाउंड और फ्री एंटीबॉडी। यानी कि जो बी सेल एपिटोप है वो जनरली हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और ये फ्री सरफेस पे पाए जाते हैं। ए बी का मतलब यहां पे एंटीबॉडी है। इलिसिटेड बाय द इम्यूनाइजेशन विथ टी जी एल को पॉलीमर रिएक्ट लार्जली विथ द एक्सपोज्ड टायरोसिन एंड ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू।
तो जो भी हमने नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन देखे उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये बना है और बीच में ये जो इंटरेक्शन दिखाया गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का, इसमें चार तरह के नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होंगे, जैसे कि वेंडर वाल इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इन चार तरह के इंटरेक्शन के द्वारा एंटीजन और एंटीबॉडी क्लस्टर बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। बी सेल इपिटोप कैन कंटेन सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल अमीनो एसिड्स। जो इपिटोप्स हैं इसके, तो इपिटोप्स हम जानते हैं कि एक्सपोज्ड हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, और इसमें सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल दोनों तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। स्पर्म वेल मायोग्लोबिन कंटेन 5 सिक्वेंशियल बी सेल इपिटोप्स। जैसे हम देखेंगे कि इसमें जो ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन में जैसे कि ये एपिटोप, ये एपिटोप, ये एपिटोप, ये जो अलग अलग तरह के एपिटोप्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ यहाँ पे एक्सपोज्ड है, 5, तो ये अलग अलग तरह के एपिटोप्स हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, बाहर की तरफ हैं, जिनके अमीनो एसिड्स डायरेक्टली सरफेस पे हैं, और इन एक्सपोज सरफेस से इम्यूनोग्लोबुलिन आके बाइंड कर सकता है। तो इस तरह के एक्सपोज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं बी सेल एपिटोप्स में। एंटीबॉडी टू नेटिव एचईएल, एचईएल मींस हेन एग वाइट लाइसोजाइम, डज नॉट बाइंड टू रिड्यूस्ड हेन एग वाइट लाइसोजाइम। जो हेन एग वाइट लाइसोजाइम है, अगर इनके एक्सपोज सरफेसेस को हम रिड्यूस कर दें तो जो एंटीबॉडी है वो बाइंड ही नहीं कर पाता। यानी कि एंटीबॉडी तभी तक जो है बाइंड करेगा अपने एपिटोप से जब तक उसके एपिटोप फ्रीली एक्सपोज्ड होंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक लूप पेप्टाइड्स के, जिसमें हम देखते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप। इस ओपन लूप में जो सिस्टीन है, जैसे सिस्टीन का पोजीशन हमने कंसीडर किया, यहाँ 18th पोजीशन पे सिस्टीन है, यहाँ 64 पोजीशन पे सिस्टीन है। अगर वो कंबाइंड हो जाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, तो अलग अलग पोजीशन पे जो सिस्टीन है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड और बना देंगे क्लोज लूप। बी सेल एपिटोप के कुछ और प्रॉपर्टी को यदि डिस्कस करें, तो बी सेल एपिटोप्स टेंड टू बी लोकेटेड इन फ्लेक्सिबल रीजन ऑफ एन इम्यूनोजेन एंड डिस्प्ले साइट मोबिलिटी। बी सेल एपिटोप जो होते हैं इम्यूनोजेन के फ्लेक्सिबल रीजन पे लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट प्रोटीन कंटेन मल्टीपल ओवरलैपिंग बी सेल एपिटोप्स, सम ऑफ विच आर इम्यूनोडोमिनेंट। अगर किसी प्रोटीन का बात करें तो उस प्रोटीन में जो बी सेल एपिटोप्स होते हैं वो मल्टीपल इन नंबर होते हैं, यानी एक से अधिक एपिटोप्स पाए जाते हैं, और कभी कभी कुछ क्या होते हैं कि डोमिनेंट होते हैं, जिसे हम लोग इम्यूनोडोमिनेंट एपिटोप्स कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहे बी सेल एपिटोप्स के। अब आइए देखते हैं टी सेल एपिटोप्स के बारे में। एंटीजन रिकॉग्निशन बाय टी एंड बी लिम्फोसाइट्स रिवील क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। जो टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, ये अलग, ये जो दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीजन्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स की बात करेंगे। जैसे नेटिव प्रोटीन है, तो नेटिव प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, और सेल मेडिएटेड टी डीटीएच रेस्पॉन्स। डीटीएच का मतलब होता है डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी मतलब TDTH इज ए सबसेट ऑफ CD4 प्लस TH सेल्स, यानी ये हेल्पर टी सेल का एक सबसेट है दैट मेडिएट सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स, जिसके द्वारा सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इलिसिट किया जाता है, और इसे ही हम लोग डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी कि डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स एक टी सेल रेस्पॉन्स है जो
हेल्पर टी सेल के द्वारा मीडिएटेड होता है, यानी कि नेटिव प्रोटीन प्राइमरी इम्यूनाइजेशन सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी इलिसिट करता है। इसके अलावा हेल्पर टी सेल रेस्पॉन्सेस भी देखने को मिलते हैं। नेटिव प्रोटीन, अगर इस नेटिव प्रोटीन को डिनेचर कर दें तो डिनेचर कर देने के बाद से जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता, लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होता है। यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन का जो नेटिव कन्फर्मेशन है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए भी और सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स के लिए भी। लेकिन जब उस प्रोटीन को प्रोसेस्ड कर दें, डिनेचर कर दें, तो केवल हमारा टी सेल रेस्पॉन्स भी ही इलिसिट हो पाता है। उस केस में एंटीबॉडी प्रोडक्शन इलिसिट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने देखा कि बी सेल एपिटोप्स जो होते हैं वो प्रोटीन के फ्री सरफेस पे होते हैं और टी सेल एपिटोप्स इंटरनल होते हैं जो प्रोसेस्ड करने के बाद ही दिख पाते हैं और टी सेल उससे बाइंड कर पाता है। यानी कि डिनेचर्ड प्रोटीन केवल सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स को ही इलिसिट कर सकता है। ये हम देखेंगे टर्नरी कॉम्प्लेक्स यहाँ कैसे बन रहा है। एंटीजेनिक पेप्टाइड्स रिकॉग्नाइज बाई टी सेल फॉर्म ट्राई मोलिकुलर, या हम कह सकते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स विथ अ टी सी आर एंड एन एम एच सी मोलिकुल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसका खास प्रॉपर्टी होता है क्लास टू एम एच सी मोलिकुल अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करना। तो ये क्लास टू एम एच सी मोलिकुल है, ये एग्रीटोप है और ये इपिटोप है। यानी कि ये हमारा एंटीजन मोलिकुल है जो एक्सप्रेस हो रहा है क्लास टू एम एच सी मोलिकुल के द्वारा। एंटीजन मोलिकुल का वह हिस्सा जो क्लास टू एम एच सी मोलिकुल से बाइंडेड है उसे हम लोग एग्रीटोप कहेंगे, और एंटीजन का वह हिस्सा जो टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा उसे हम लोग इपिटोप कहेंगे। यानी कि एंटीजन में ही ये दोनों पोर्शन है, एग्रीटोप और इपिटोप। द पोर्शन ऑफ एंटीजन दैट इज कम्बाइंड विथ क्लास टू इज नोन एज एग्रीटोप एंड दैट पोर्शन दैट कम्बाइंस विथ टी सेल रिसेप्टर इज इपिटोप। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली थ्री मॉलिक्यूल्स देखे जो इन्वॉल्व है, क्लास टू एम एच सी, एंटीजन एंड टी सेल रिसेप्टर। जो हेल्पर टी सेल है जिसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर लगे हुए हैं और CD4 है, CD4 मीन्स क्लस्टर ऑफ डिफरेंसिएशन। ये CD4 एक तरह का मार्कर है जो हेल्पर टी सेल में होता है। और एक और होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, उसके ऊपर जो लगा होता है वो होता है CD8। तो इस तरह के कुछ मार्कर मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं हेल्पर टी सेल को और साइटोटॉक्सिक टी सेल को। कुल मिला के हम लोगों ने ये समझा कि टी सेल एपिटोप जो होता है वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसमें थ्री मॉलिक्यूल्स का जरूरत होता है, क्लास टू एम एच सी मॉलिक्यूल, एंटीजन और टी सेल रिसेप्टर का। द एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑन द एम एच सी मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ वेरियस ओलिगोमेरिक पेप्टाइड दैट फंक्शन एज टी सेल एपिटोप। अ गिवन एम एच सी मॉलिक्यूल कैन बाइंड अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड्स। एंटीजन प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू जेनरेट पेप्टाइड दैट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विथ एम एच सी मॉलिक्यूल। यानी कि इन स्लाइड्स को पढ़ने पे समझ में ये आया कि टी सेल रेस्पॉन्सेस के लिए एंटीजन का प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, मस्ट है, और इस प्रोसेस्ड एंटीजन को एक्सप्रेस कराने के लिए एम एच सी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। यानी कि टी सेल रेस्पॉन्स के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होना चाहिए। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे क्लास टू एम एच सी मॉलिक्यूल लगा होना चाहिए। आइए देखते हैं एक्सोजिनस और इंडोजिनस एंटीजन, जो दो अलग अलग तरह के एंटीजन्स हैं, उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है और उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाता है। पहले बात करते हैं हम लोग एक्सोजिनस एंटीजन का।
एक्सोजिनस एंटीजन के लिए जो पाथवे है वो है एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है, जो एक्सोजिनस एंटीजन है वो क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद से इस एक्सोजिनस एंटीजन को इंगल्फ किया जाता है, एक वेसिकल्स बन जाता है। इस वेसिकल्स को लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके फैगोलाइसोसोम बनाया जाता है और फिर इसका प्रोसेसिंग होता है। आइए देखते हैं एक्सोजिनस और इंडोजिनस एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर एक्सोजिनस एंटीजन है तो इसे हम लोग एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के द्वारा इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ होने के बाद से एक वेसिकल फॉर्म होता है, यह वेसिकल इंडोसोम फॉर्म करता है और यह इंडोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है और फैगोलाइसोसोम बनाता है। इस फैगोलाइसोसोम वेसिकल्स में इस एक्सोजिनस एंटीजन का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद से एंटीजन के जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स बने, ये एंटीजन के फ्रैगमेंट्स एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा। ये तरीका होता है एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवे का। इस एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवे में हम एक्सोजिनस एंटीजन का प्रोसेसिंग करते हैं। एक्सोजिनस के लिए है ये। अगर एंडोजिनस एंटीजन है तो इस एंडोजिनस एंटीजन के लिए, जैसे कि कुछ वायरस है अगर इंटर ले लिया तो वायरल डीएनए, वायरल मैसेंजर आरएनए, वायरल प्रोटीन्स बने। इस प्रोटीन को फिर जो है प्रोसेस्ड किया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद ये वेसिकल्स बनेंगे, उसमें इनको क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके लोड किया जाता है और उसके बाद से सरफेस पे एक्सपोज कर दिया जाएगा। यानी ये क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल प्रोसेस्ड एंटीजन पार्ट को लेके एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो तरीका है वो एंडोजिनस एंटीजन के लिए है। इन तरीकों से इंडिजिनस एंटीजन का प्रोसेसिंग होता है और एक्सप्रेशन होता है। यानी अलग अलग एंटीजन्स का जो प्रोसेसिंग पाथवे है वो अलग अलग है, लेकिन मेन मोटो ये है कि प्रोसेस्ड एंटीजन को एक्सप्रेस किया जाए सेल के सरफेस पे, ताकि जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं वो आसानी से बाइंड कर सके और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जेनरेट हो सके बॉडी में। टी सेल एपिटोप्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले के स्लाइड में देखा है, टेंड टू बी ऑन द इनसाइड ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल के इनर साइड में होते हैं, इनर सर्फेसिस पे होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोसेस्ड करना जरूरी होता है। जब तक हम प्रोसेस्ड नहीं करेंगे एंटीजन्स को, इनके इपिटोप्स एक्सपोज नहीं होंगे, और जब तक टी सेल इपिटोप्स एक्सपोज नहीं होंगे रिसेप्टर इससे बाइंड ही नहीं कर सकते, इसीलिए जरूरी होता है इनका प्रोसेसिंग। इम्यूनो डोमिनेंट का क्या मतलब है? टी सेल एपिटोप्स आर डिटरमाइंड इन पार्ट बाय द सेट ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स। जो एमएचसी मॉलिक्यूल का क्लस्टर है, सेट है, वो डिटरमाइन करते हैं टी सेल एपिटोप्स को। इम्यूनो डोमिनेंट का क्या मतलब है? टी सेल एपिटोप्स आर डिटरमाइंड इन पार्ट by the set of MHC molecule expressed by an individual. Individuals में जो अलग अलग तरह के जो MHC molecule express हो रहे हैं, ये जो set है, cluster है MHC molecule का, ये determine करता है T-cell epitopes को, और इसे ही हम लोग immunodominant कहते हैं। तो ये कुछ properties रहे, अलग अलग properties रहे T-cell epitopes को लेकर। अब हम देखेंगे correlation of MHC binding ability एंड टी सेल एक्टिवेटिंग एबिलिटी ऑफ सिंथेटिक पेप्टाइड्स। यदि हम कुछ सिंथेटिक पेप्टाइड्स को लें, अगर हम माने कि दिस सिंथेटिक पेप्टाइड्स आर प्रोसेस्ड एंटीजन, ये जो पेप्टाइड्स हैं ये एमएचसी मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी हम समझ सकते हैं ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल होगा ये क्लास टू टाइप का है, यानी क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल से ये पेप्टाइड्स बाइंड किए सिंथेटिक पेप्टाइड्स।
बाइंड करने के बाद से अब जो हेल्पर टी सेल होगा, जिनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर होंगे, जैसे कि ये टी सेल रिसेप्टर है, ये CD4 मॉलिक्यूल भी होंगे साथ में, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और हेल्पर टी सेल का एक्टिवेशन होगा। तो ये कुछ कोरिलेशन है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि एंटीजन के प्रोसेसिंग के बाद से Class 2 MHC मॉलिक्यूल के द्वारा ये एक्सप्रेस होते हैं और एक्सप्रेस होने के बाद से टी सेल रिसेप्टर बाइंड करते हैं। कुछ को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स भी साथ में सिक्रीट होते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ये IL-2 जो दिखाया गया है, ये साइटोकाइंस है। ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट करते हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीजन को रिमूव करता है और इस तरह से इम्यून सिस्टम बॉडी का बूस्ट होता है। ये जो नीचे दिखाया गया है, ये डेज काउंट है, ये किस दिन पे क्या रेस्पॉन्सेस होते हैं, ये कुछ प्रेडिक्टेड है और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग डेज पे रेस्पॉन्स करता है, MHC बाइंडिंग के वक्त कैसे रेस्पॉन्ड करता है और हेल्पर टी सेल के एक्टिवेशन के वक्त कैसे रेस्पॉन्ड करता है। आगे हम लोग देखेंगे हेप्टेन्स एंड द स्टडी ऑफ एंटीजेनिसिटी। हेप्टेन क्या होता है और एंटीजेनिसिटी को भी हम डिस्कस करेंगे। हेप्टेन, ए स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। हम लोगों ने देखा था कि एंटीजन जिनके पास इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है उसको इम्यूनोजन बनाने के लिए एडजुवांट ने हेल्प किया। यानी एडजुवांट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटीजन के साथ कंबाइन करके उस एंटीजन में इम्यूनोजन की प्रॉपर्टी को इंड्यूस करता है, जबकि हेप्टेन एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके पास केवल एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, यानी वह इम्यूनोजेन नहीं है। ठीक है, यानी हेप्टेन केवल एंटीजेनिसिटी इंड्यूस कर सकता है, एंटीजेनिसिटी। अब हम जानेंगे कैरियर क्या होता है। तो कैरियर आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर केमिकली कपल्ड टू हेप्टेन इल्ड इम्यूनोजेनिक हेप्टेन कैरियर कंजुगेट। हेप्टेन जो है चूंकि स्मॉल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब ये कैरियर के साथ कंबाइन हो जाता है तो हम इसे कहते हैं हेप्टेन कैरियर कंजुगेट। कैरियर एक तरह का लार्ज मॉलिक्यूल है जो केमिकली कपल्ड हो जाता है हेप्टेन के साथ और इम्यूनोजेनिक हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझें, ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ऐसे, ये हेप्टेन है जो कि स्मॉल है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। जब यह हेप्टेन कैरियर के साथ कंबाइन हो गया तो बना हेप्टेन कैरियर कंजुगेट। अब इस हेप्टेन कैरियर कंजुगेट को यदि हम किसी भी फॉर्म से एडमिनिस्टर करें रैबिट में, तो कैसे रैबिट के इम्यून सिस्टम को ये इलिसिट करता है, या हम ये कहें कि कैसे इम्यूनाइज करता है रैबिट को, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो हेप्टेन था जो एंटीजन नेचर का था, इसके रेस्पॉन्ड में एंटीबॉडीज बन रहे हैं, कैरियर का एंटीबॉडी बन रहा है, एंटीबॉडीज टू कंजुगेट ऑफ हेप्टेन एंड कैरियर, जो हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेट है, उसके एंटीबॉडीज बन रहे हैं। यानी कि यहाँ एंटीबॉडीज कई सारे बन रहे हैं, एक तो हेप्टेन के लिए स्पेसिफिक बन रहा है, कैरियर के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन रहा है, और कंबाइंड रेस्पॉन्ड में ऐसे एंटीबॉडीज बन रहे हैं जो हेप्टेन और कैरियर दोनों के कंजुगेट के लिए है। यानी अलग अलग तरह के इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे इस रैबिट में। अगर हम लोग केवल हेप्टेन यानी कि डाइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ DNP जो है वो डाइनाइट्रोफिनॉल के लिए इंडिकेट कर लिखा गया है, अगर केवल DNP को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं रैबिट में तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, क्योंकि ये हेप्टेन बहुत ही लो मोलिकुलर वेट का होगा जिसके पास केवल एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगा, इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी ये शो ही नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही कम मोलिकुलर वेट का है, यानी एंटीबॉडी फॉर्म नन रहेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर केवल हम प्रोटीन कैरियर देते हैं BSA, तो NTBSA केवल बनेगा,
केवल जो है इस बोवाइन सीरम एल्बुमिन के लिए एंटीबॉडी बनेगा। अगर हम लोग हेप्टेन कैरियर देते हैं, हेप्टेन कैरियर कंजुगेट दोनों एक साथ मिला करके कंजुगेट फॉर्म में हम लोग एडमिनिस्टर करवाते हैं तो एंटी डीएनपी भी बनेगा, एंटी बीएसए भी बनेगा और एंटी डीएनपी बीएसए कंजुगेट भी बनेगा। इसमें जो एंटी डीएनपी होगा यानी कि जो हेप्टेन होगा इसका जो एंटीबॉडी बनेगा वो मेजर अमाउंट में बनेगा। यानी अब हेप्टेन का जो रेस्पॉन्स होगा जिसे हम लोग कह रहे थे कि उसके पास इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, जब हम लोग कंजुगेट बना देते हैं तो इसी का ही इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी हेप्टेन के रेस्पॉन्ड में ही एंटीबॉडी मैक्सिमम बनता है।